बार बार विधानसभा चुनाव हारने वाले भाजपा नेताओं का इस बार टिकट कट सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता कर इसके संकेत दिए हैं और कहा कि प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी बार बार हार रहे हैं वहां टिकट बदलना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। धूमल ने कहा कि प्रदेश में पिछले करीब 3.5 वर्षों से कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है, जिनके कार्यकाल में प्रतिदिन लावारिस लाशें मिल रही है। वन भूमाफिया शराब माफिया सक्रिय है और प्रदेश सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर कोई भ्रष्टाचार करने में मस्त है, प्रदेश की जनता त्रस्त है। इस कारण से लोग बहुत दुखी भी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो ताकि ऐसी सरकार बने जो विकास करवाए, इसका तारतम्य केंद्र के साथ ठीक हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है। इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं अब चुनावों का कि जल्दी चुनाव होने चाहिए, इसके लिए दुआ कर रहे हैं। प्रदेश में इसमें माफिया राज हो गया है, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, ट्रांसफर माफिया, इनके माध्यम से और अब शराब माफिया, प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, हर तरफ ड्रग नशाखोरी बढ़ रही है और रोज़ लाशें, लावारिस लाशें मिल रही है, अर्थात कानून व्यवस्था की किसी को चिंता नहीं है, समाज विरोधी तत्वों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखिंदर सिंह सुक्खू के करीब 700 कनाल भूमि खरीद मामले में गलत चुनाव शपथ पत्र और नादौन में खनन मामले को उजागर करने वाले नादौन के भाई बहन को बधाई देते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो भाजपा अपनी चार्जशीट में इस मामले को जोर शोर से उठाएगी। चार्जशीट केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, औपचारिकता के तौर पर दी जाती है, तथ्यों सहित अगर चार्जशीट दी जाए। हमने जो पहले चार्जशीट दी थी आज से साल पहले, उसमें भी तथ्य दिए थे, जानकारियां दी थी, डॉक्यूमेंट्स जोड़े थे और अब भी हर जिला में जाकर जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं और उसके माध्यम से चार्जशीट इस बार जो बनेगी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होगी, प्रमाणों के साथ होगी और हमें पूर्ण विश्वास है अगर ये सरकार नहीं करेगी उसकी जाँच तो आने वाली सरकार करेगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, भाजीमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री, नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीप कुमार, विजय पाल सुहारू एवं मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।